दिस इज इटसेल्फ अ बिग प्रोजेक्ट. पर कहना क्या चाह रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में काम हो रहा है, कैसे आप इनोवेशन को अपना डेली हैबिट बना दें. तो इनोवेशन का रूट ये कहता है, सबसे पहले जब आपसे कहा जाए कितने लोग तैयार हैं तो माय हैंड, कितने लोग तैयार हैं तो माय हैंड कि आई एम अवेलेबल. दूसरा आता है, मैं कोई एक छोटे से छोटा इंप्रूवमेंट की बात करूं, काइजन का नाम सुना होगा, यस नो, काइजन, डेली इंप्रूवमेंट, कि कोई एक चीज मैं अपने आप में इंप्रूव करूं जिससे मेरा जो कल हो वो आज से बेहतर बने, और वहां की हम बात कर रहे हैं. अगली आ जाती है दोस्तों नॉलेज एंड स्किल. अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, पहला सबसे क्या था, एटीट्यूड, दूसरा विजन, तीसरा इनोवेशन, फाइनली नॉलेज एंड स्किल. नॉलेज एंड स्किल कहां इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, आसान काम करने से कोई वर्ल्ड क्लास नहीं बनता. अगर कोई बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट हो तो उसकी बात करी जाती है, जैसे दुबई का जो बड़ी वो बिल्डिंग है उसकी बात करी जाती है, वो इतना मुश्किल प्रोजेक्ट है फिर भी बनाया गया. आसान काम करने से किसी का कोई प्रोजेक्ट बड़ा नहीं होता, आसान केस लड़के कोई लॉयर बड़ा नहीं होता, आसान बिल्डिंग बना के कोई आर्किटेक्ट बड़ा नहीं होता, आसान सॉफ्टवेयर बना के कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बड़ा नहीं होता, आसान अकाउंट्स हैंडल करके कोई अकाउंटेंट बड़ा नहीं होता. योर एबिलिटी टू डूइंग द कॉम्प्लेक्स इजिली, वर्ड समझिएगा, योर एबिलिटी टू डूइंग द कॉम्प्लेक्स इजिली, मुश्किल काम को जब आप आसानी से करने लग जाओगे आप वर्ल्ड क्लास बन जाओगे. जो 10 लोग ये कहें ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और आप उसको आसानी से कर पा रहे हो, उसके लिए करना क्या होगा, अपने आप के चैलेंजेस बनाने होंगे, अपने लिए बेंचमार्क बेहतर करने होंगे. ये 10 लोगों को पसंद है, मेरा बेंचमार्क तो ऐसे है, मेरा बेंचमार्क तो ये है, मैं इस चीज को इतनी जल्दी करना चाहता हूं, तब हम वर्ल्ड क्लास बनने लगेंगे. दो चीजें बहुत काम करती है, वन इज द इंट्रिंसिक विच इज योर वाई, मैं कर क्यों रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं इनर इंस्पिरेशन, माय इनर मोटिवेशन, माय वाई, मैं कर क्यों रहा हूं, क्योंकि मैंने किसी बड़े गोल को इसके साथ अटैच कर दिया है, दैट्स माय इंट्रिंसिक मोटिवेशन. सेकंड मैं कहूंगा, कई बार लोग कहते हैं कि एक टॉक है उसका असर तो शाम तक चला जाएगा, जी ज्यादातर के साथ होते. सर ने पूछा कि कितने लोगों पर इंपैक्ट रहता है, less than 1%, यस. देन खाना दिन में कितनी बार खाते हैं, 3 बार 2 बार 3 बार, यस. बाकी सारे काम 2-2, 3-3 बार जब चल सकते हैं, खाना चल सकता है, तो मोटिवेशन दिन में 2-3 बार क्यों नहीं चल सकता, वो शॉर्ट वीडियो, अगर वो भी मेरे को हाई रहता है, वो भी मेरे को एक मोमेंटम में लेके आता है, दैट आई कैन कीप माइसेल्फ एज अ मोमेंटम, जिससे मेरा मोमेंटम चलता रहे, यस नो मे बी. अगर मैं खाना खा के अपनी लाइफ को 2-3 बार मोटिवेट कर सकता हूं, दैट बिकम एक्सटर्नल. अब हमें बैलेंस निकालना होगा. कई बार कई लोग कहते हैं कि मेरे को उस स्पीकर का पसंद आता है. देखिए मोटिवेशन स्पीकर जरूरी नहीं है कि मैं जैसे काम कर रहा हूं वो ही मोटिवेशनल स्पीकर है. कई बार योर वर्ड फ्रॉम योर मदर कैन बिकम अ मोटिवेशन फॉर लाइफ, कि बेटा ऐसा करके दिखाना. मैं एक टॉक सुन रहा था जहां पे जो उस कंपनी के ओनर हैं वो ये बताते हैं कि व्हेन हिज फादर डाइड, और जैसे भी उनके रिलेशन थे, वो कहते कि ही फेल्ट लेस अबाउट हिज फादर वॉज डाइंग, बट ही वॉज फीलिंग मोर सॉरी फॉर हिज मदर, जिनको उन्होंने बहुत हार्डशिप से जाते हुए देखा. और उनकी बस लाइन ये थी, That lady deserve a better life. So his motivation of starting that big company, big everything is that lady deserve a better life. Motivation need not be the long talk as I am giving. It can be one small inspiration. बाहर गए, हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो एवरेज लाइफ जी रहे हैं. Those people deserve better living. इस कंपनी का भी मोटो यही कहता है, right? ये बात की चेयरमैन सर ने कि हम टर्नओवर्स की बात नहीं कर रहे, हम कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, कि जो लोगों का ट्रस्ट टूट गया है कंपनी से, रियल एस्टेट से, कि हमारे साथ गलत हो सकता है, देयर इज अ कंपनी जो उनको वैल्यू करती है, द प्रॉमिस, द ट्रस्ट, उसकी बात करी जाएगी. दैट कैन बी मोटिवेशन. जब हम बाहर जाते हैं तो हम देख सकते हैं किसी फैमिली को, दैट फैमिली लिव अ बेटर प्लेस टू लिव. और जो मैं काम कर रहा हूं, इट इज टू प्रोवाइड दीज पीपल अ बेटर प्लेस टू लिव. यस नो मे बी. थैंक यू वेरी मच. तो लेट्स, यस थैंक यू. एंड इट्स नॉट टू बी फॉर द कंपनी, यस.